नमस्कार। तो हम लोग सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आज हम जिस स्किल की बात करने वाले हैं वो तो इन स्किल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है लिसनिंग, सुनना। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हमारे यहाँ बुद्ध, जैन धर्म और सनातन धर्म में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है, और ख़ास तौर से जो आधुनिक साइकोलॉजी है उसमें भी इस पर बहुत काम किया गया है, रिसर्च किया गया है। और धर्म में जो कहा गया है वो है सम्यक श्रवण, राइट लिसनिंग, सही सही कैसे सुने। क्योंकि एक युवा अपने पूरे जागृत समय में लगभग 70% हिस्सा जो है वो कम्युनिकेशन में बिताता है, और इस कम्युनिकेशन में जो वो काम करता है उसमें उसका लगभग 45% टाइम सुनने में खर्च होता है, 30% टाइम बोलने में खर्च होता है, 16% पढ़ने में खर्च होता है, और 9% लिखने में खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन के कितने बड़े हिस्से को सुनने में बिताते हैं। और चूंकि हम समुदाय में रहते हैं, या हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो टीम में काम करते हैं, तो हमें निरंतर लोगों की बातों को सुनने का अभ्यास करना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी गलतफहमियाँ केवल सम्यक श्रवण न होने से हो जाती हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ गलत तरीके से सुन के उसको अपने मन में इंटरप्रेट करते हैं तब उसके संबंध में हम गलती कर देते हैं। इसीलिए जो लिसनिंग है वो हियरिंग नहीं है। देखिए, आप जब कोई भी चीज़ आपके कान में आएगी, कोई भी ध्वनि आपने आपके कान में आएगी, तो उसको हम हियरिंग कहते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक प्रक्रिया है जिसके तहत आपके कान उन चीज़ों को रिसीव करते हैं, उन ध्वनियों को रिसीव करते हैं। पर जब आप उस ध्वनि का अपने मन में इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसे आप समझते हैं तो उसको लिसनिंग कहा जाता है। तो जो मेंटल एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो आपकी लिसनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि कितना ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं। क्योंकि अधिकांश लोग कई चीज़ें एक साथ करते हैं, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं और उसी समय वो सुनते हैं, और यहीं वो गलती करते हैं। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपको उसके लिए टाइम देना चाहिए कि अब आप कोई चीज़ या किसी के साथ सुन रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करता है, कोई बात कहना चाहता है, तो आपको उसको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि ये इस सुनने का पर्पज़ क्या है, क्यों हम ये सब सुन रहे हैं। तो अगर आपका पर्पज़ क्लियर है तो आप उसको आसानी से अपना ध्यान, अटेंशन उस तरफ रख पाएंगे। आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, एक्टिव थिंकिंग होना चाहिए, और आपको केवल ध्वनि पे ध्यान ना देकर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं, उस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका टोन, टेक्सचर, बात करने का तरीका, बोलना की स्पीड, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें भी जब आप एक साथ इंटरप्रेट करते हैं तभी आप पूरा सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। केवल आप किसी व्यक्ति के शब्द सुन के या ध्वनि को सुन के कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग है उसमें कौन कौन से बैरियर्स हैं, तो सबसे बड़ा बैरियर तो हमारी अटेंशन का ही है। क्योंकि हमारा जो चेतना है, जो ध्यान है, वो बहुत तेज़ी से एक चीज़ से दूसरी तरफ जाता है।
दूसरी चीज़ कि जब हम कोई शब्द हमारे कान में पहली बार पड़ता है तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसी शब्द की फिर हम ट्रेल बनाते जाते हैं, उसी से आगे चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी दिक्कत होती है। और ये क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि जो हमारा माइंड है वो एक मिनट में लगभग 400 से 800 शब्दों को इंटरप्रेट कर सकता है, जबकि जो हमारे बोलने की स्पीड होती है सामान्यतः वो 125 से 175 शब्द पर मिनट बोलने की होती है। तो यहाँ टाइम गैप हो जाता है, मतलब जब आप सुन रहे हैं तो जो शब्द आपके पास आ रहे हैं और माइंड जिस तेज़ी से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, इसमें एक गैप बन जाता है और यही गैप आपके ध्यान को भटका देता है, आपकी चेतना को कहीं और ले जाता है, क्योंकि उस समय माइंड में चेतना सुन नहीं रही होती है। तो इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अकेले बैठे हैं और आप प्रकृति की आवाज़ों को सुनते हैं, पक्षियों की आवाज़ों को सुनते हैं, पेड़ों की सरसराहट को सुनते हैं, हवा से जो ध्वनि आ रही है उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस होती है। और जब आप समाज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑफिस में इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका ध्यान इन चीज़ों के ऊपर रहता है कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान सुनने के समय रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। इसलिए क्योंकि देखिए, जो मनुष्य है वो हमेशा जो उसकी याददाश्त है वो पिक्टोरियल होती है, पिक्चर्स में होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें फोटो बहुत बड़ा होता है, जैसे आम का लिखा हुआ है तो आम का एक बड़ा फ़ोटो होगा और आम का एक छोटा अक्षर होगा। फिर जैसे जैसे बड़े बच्चों की किताबें होती जाती हैं तो जो फ़ोटो है, पिक्चर है, उसकी साइज़ छोटी होती जाती है, और जो युवा लोगों की किताबें होती हैं उसमें सामान्यतः फ़ोटो गायब हो जाती हैं, क्योंकि तब तक आपके माइंड में ये सब चीज़ें विकसित हो जाती हैं। तो जब बच्चा 7 साल तक का होता है तब तक वो लगभग 80% चीज़ें सीख लेता है अपने दिमाग के अंदर। तो जो उसने पहली बार जिस शब्द को सुना है और उस शब्द की जो छवि पहली बार देखकर उसके मन में बनी है वो हमेशा उनकी याददाश्त में बनी रहती है। जैसे अगर मैं एक शब्द कहूँ गाय, और आप सब लोग सुन रहे हैं गाय, पर आप सबके मन में जो छवि गाय की बन रही है वो एक जैसी नहीं है। किसी ने सफ़ेद गाय देखी है, किसी ने काली गाय देखी पहली बार, किसी ने चितकबरी गाय देखी, किसी ने काली गाय को समझा है, किसी ने सफ़ेद को, किसी ने चितकबरी को। तो बाहर तो एक शब्द कहा गया है पर अंदर जो समझ विकसित हुई है वो बहुत अलग अलग तरह की विकसित हुई है। फिर किसी का गाय के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है तो वो उस तरफ सोचना उसका चला जाएगा, किसी का गाय के साथ बहुत ख़राब रिलेशन रहा है, या किसी ने कभी गाय के साथ कोई समय नहीं बिताया है, वो कभी गांव में नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, इसी को सम्यक श्रवण में कहा गया है, क्योंकि हम मन, बुद्धि, चित्र और अहंकार, ये चार चीज़ों से इंटरप्रेट करते हैं और दुनिया से अपना संपर्क बनाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देते समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कैंडिडेट है वो अपना पूरा अटेंशन क्वेश्चन के ऊपर रखे, जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादातर इंटरव्यू फिजिकल अब नहीं हो रहे हैं, वो ज़्यादातर इंटरव्यू अब ऑनलाइन होते हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप फिजिकल इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, आपका टोन टेक्सचर सामने वाला नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि वो भी उतना अच्छा लिसनर नहीं है। पर जब कैमरा आपको पकड़ता है तो कैमरा आपके बहुत छोटे छोटे से मूवमेंट्स को पकड़ लेता है।
आपके एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, बॉडी लैंग्वेज को पकड़ लेता है, आपकी आवाज़ टोन टेक्सचर को पकड़ लेता है। तो यहाँ हमें और सावधानी की ज़रूरत है। जो लोग फिल्मों में एक्टिंग करते हैं वो जानते हैं कि कैमरे के सामने एक्टिंग करना कितना कठिन होता है, क्योंकि आपको वो परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज और आपका टोन टेक्सचर, बोलने का तरीका, दिखने का तरीका उस तरह से रखना पड़ता है जिस करेक्टर को आप निभा रहे हैं। तो आजकल जब आप जूम से या गूगल मीट से इंटरव्यू देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कंप्यूटर का कैमरा है या मोबाइल फ़ोन का कैमरा है वो बहुत बारीकी से छोटी 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 चीज़ सामने वाले को दिखा देता है। तो कभी भी कोई जानबूझ के ऐसी गलती ना करें। जब आप कई बार देखिए कि दो लोग बात कर रहे हैं और आप थोड़ा दूर खड़े होकर उनको देखने की कोशिश करिए कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, वो केवल इंतज़ार करते हैं कि जो आदमी बोल रहा है वो कब बोलना बंद करे तो वो अगले वाला आदमी वहाँ से बोलना शुरू करे। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देख के समझ जाएंगे कि वो कितना रेस्टलेस है या कितनी रुचि उसकी बातों में है या कितनी अरुचि उसकी बातों में है। तो ये सम्यक श्रवण नहीं है, ये संवाद का कोई तरीका नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि चीज़ें मोनोलॉग ना हों, को एक ही पक्ष ना बोले, दोनों पक्ष अपनी बात रखें और दोनों एक दूसरे एक से आई कांटेक्ट रखें और पूरा अपना ध्यान उनकी तरफ रखें, तो संभवतः हम बहुत अच्छा सुन सकते हैं और हमारा संवाद बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि बोलने से ही और सुनने से ही हमारी ज़िंदगी निर्मित होती है। अगर हम बहुत अच्छा कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बनना चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने हमारे दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम बोलने से ज़्यादा सुने। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे और जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके हित में बात होगी। तो ये आपको समझना चाहिए और इसकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि आपका इनर मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तभी आप सम्यक श्रवण कर सकते हैं। तो ई फसल कर्मा से तो इसी तरह की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देकर आपको प्लेसमेंट के लिए मदद करता है। तो जो कैंडिडेट अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या अपने कैरियर में आगे आना चाहते हैं वो ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।